माह मुकद्दस की तैयारियां शुरू। शहर में 31 रमजान बाजार लगेंगे। आटा चीनी की कीमतें 2021 की सतह पर बरकरार रखने का फैसला। आटे के लिए 3.5 अरब रुपए की सब्सिडी जारी। सस्ते बाजारों में स्टॉल के लिए 100 करोड़ मंजूर। खाली डिलीवरी स्टोर को भी दोबारा भरने का फैसला। 24,79,000 किलो चावल की डील डन। 2,78,000 किलो मसाला जात खरीदे जाएंगे। हुकूमत दीगर अशिया पर भी सब्सिडी का इरादा रखती है। सेफ सिटी अथॉरिटी कानून के बगैर ई चालान कैसे कर रही है? ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी को कैसे बंद किया जा सकता है? ड्राइवर के जुर्म की सजा गाड़ी के मालिक को कैसे दी जा सकती है? लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त पर सवालात उठा दिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सेक्रेटरी कानून, CEO सेफ सिटी और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को 21 मार्च को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत को भी तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। विफाक के बाद पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां। पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन तैयार। अपोजिशन के रबतों में तेजी। हमजा शहबाज की तरीन ग्रुप से मुलाकात के बाद सियासी हलचल में इजाफा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में उस्मान बुज़दार की तब्दीली पर इत्तेफाक हुआ। क्या तख्ते लाहौर डगमगा रहा है? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी कुर्सी बचाने के लिए मैदान में आ गए। अराकीन असेंबली से मुलाकातें। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल, हाशिम जवां बख्त, हामिद यार हेरात से भी मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। 172 वोटों का सवाल है। अराकीन असेंबली की बोलियां लग रही हैं, बिकने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। शेख रशीद कहते हैं मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। मौलाना साहब तसादुम की तरफ आए तो नतीजा उल्टा होगा। 1 साल की बजाय 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। 72 घंटे अहम करार दिए। सरकारी स्कूलों के तुलबा के लिए एक और मुश्किल। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नए साल का सिलेबस ही नहीं छपवाया। 1 अगस्त से नए तालीमी साल का आगाज होना है। किताबें ना छपी तो 1 करोड़ बच्चों के 2 माह जाया हो जाएंगे। शहर के बेशतर प्राइवेट स्कूलों में नए तालीमी साल का आगाज हो चुका। कोर्ट लखपत के करीब लाहौर ब्रिज की तौसी। LDA और रेलवे एक पेज पर ना आ सके। डेडलाइन करीब आ गई। NOC का मामला हल ना हो सका। घंटों ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। गुलाब देवी अंडरपास बन चुका। लाहौर ब्रिज के लिए गार्डर तैयार हैं। रेलवे के NOC का इंतजार है। DGLDA का मौके। कौमी सेहत कार्ड में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स का कितना हिस्सा? हुकूमत फैसला न कर पाई। डॉक्टर्स ने भी दर्द के मारों के इलाज से हाथ खींच दिया। प्राइवेट अस्पतालों की चांदी हो गई। दूसरे और तीसरे दर्जे के अस्पताल सेहत कार्ड पर धराधर माल बना रहे हैं। किचन अस्पतालों पर निजकारी कानून, MTI का नफाज नाकाम। निजकारी कानून के तहत मेहू अस्पताल में कायम करदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 1 साल बाद तहलील। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत की सरबराही में कायम बोर्ड को नाकामी पर तहलील किया गया। ख्वाजा सिरा भी अब स्कूल जाएंगे। अलिफ बे पे पढ़ेंगे। मुआशरे का बेहतरीन रुकन बनेंगे। लाहौर में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल खोलने का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरकत मार्केट का इंतखाब कर लिया। आइंदा साल 2023 से बाकायदा क्लासेस का आगाज होगा। बहुत देर की मेहबा आते बम धमाकों में जख्मी पंजाब पुलिस के 26 जवानों के लिए इमदादी रुकूम जारी। लाहौर के 7 अहलकारों के लिए भी इमदाद मंजूर। धमाके के जख्मी सेहत याब हो चुके। गुजर सिंह पुलिस लाइंस में इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स का तहरीरी इम्तिहान। उम्मीदवारों को गर्मी में खुले आसमान तले बिठा दिया गया। नाकिस इंतजामात पर अहलकारों के शिकवे शिकायत कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का सिविल सर्विसेज अकेडमी का दौरा। अफसरान से खिताब में कहा कि पुलिस अफसरान पुरअमन और ईमान के लिए भारी जिम्मेदारी आयन होती है। अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च। नून लीग बागमापुरा ऑफिस में इजलास। ख्वाजा इमरान नजीर और चौधरी शहबाज ने सदारत की। इस्लामाबाद रवानगी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DC लाहौर उमर शेर चटा की जेर सदारत इजलास। तजावुजात के खात्मे, मैनहोल्स को ढांपने का हुक्म। बिजली के लटकते तारों को भी फौरी हटाने की हिदायत।
मुशतरका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। एम पी ए मिर्जा जावेद, मुश्ताक शाह, चौधरी तनवीर निसार गुजर, साकिब लतीफ ने शिरकत की। सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ, एजाज हफीज भी सहाफियों की आवाज़ बने। गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दे दी। 1 अप्रैल से कार्रवाई का ऐलान। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल, अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स की तादाद 4,000 से ज्यादा है। लाहौर समेत दुनिया भर में सार्फिन के हकूक का दिन मनाया गया। लाहौर टैक्स बार के तहत सेमिनार, जस्टिस मुजम्मिल अफसर शबीर और रजिस्ट्रार सारिफ अदालत आसिफ नजीर अहमद का खिताब। कहा सार्फिन गैर मियारी अशिया और सर्विसेज से मुतालिक शिकायत पर राबता करें, अदालतें फौरी इंसाफ देंगी। हुकूमत यूनिवर्सिटी में खुशियों की महफिल। लाहौर कलंदर्स की जीत का जश्न मनाया गया। तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद अमजद साह के वातिफाना आकिब जावेद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। पीएसएल फ्रेंचाइज के सीओओ समीन राणा ने तुलबा का शुक्रिया अदा किया। टैटीज होटल में इंग्लिश ग्रेजुएट के एजाज में तकरीब। अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम के मैकडॉनल ने शिरकत की। 250 तुलबा तालिबात ने डिग्रियां तकसीम की। लाहौर समेत 3 अजला में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ऑस्ट्रेलिया का फलाही इदारा लाहौर में अजमात इंजाम देखा। द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट के वफ की डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज से मुलाकात। खसूसी अफराद के लिए कायम इदारा नशेमंद चमन और दारुल सुकून देखा। माजूर अफराद की बहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। महकमा अवकाफ के ज़ेरे एहतमाम सीरत सेमिनार। स्कॉलर डॉक्टर अबू सुफियान इस्लाही, डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ात पाक और तालीमात पर रोशनी डाली। अदाकारा मीरा का ख़वातीन ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मुख्तलिफ मराहिल का जायजा लिया, गाड़ी भी चलाई। अदाकारा का ड्राइविंग सेंटर में ख़वातीन की तायुनाती पर इजहार तशक्कुर। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तनसाजी के मुकाबले वकास खान मिस्टर जीसीयू मुंतखब। 55 किलोग्राम कैटेगरी मुकाबलों में मोहम्मद अवैस ने पहली पोजीशन हासिल की। 60 किलोग्राम कैटेगरी में गुलाम मोहम्मद ने गोल्ड मेडल हासिल किया।